भारतीय किसान यूनियन से बोल रहा हूँ जी, जिला महासचिव सभी जमे थे भाई। ये हमारा जो कल रक्षाबंधन बहनों का त्यौहार है और जन्माष्टमी आ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को, अपने सभी पदाधिकारियों को, भाई क्षेत्र में शांति रहे, भाईचारा रहे, कोई झगड़ा ना हो। मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आ जाओ, इसके बारे में बताता हूँ जी मैं आपको। जो हमारी 23 तारीख से पदयात्रा होने जा रही है जी, इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी साहब का 9 सूत्रीय कार्यक्रम है। सबसे पहला तो ये है कि हमारी जो है जो किसानों की ज़मीन है, जो वर्तमान रेट चल रहा है सर्किल रेट, उसके चारों में से दी जा। ये नहीं किसान पर जाम करा धक्के खा रहा है, इसे किसान संगठन बर्दाश्त नहीं करने का हमारा जो है। दूसरी ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, इनका कहना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम इसे डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा किसान इधर गन्ना डालता है, हमारे गन्ने को भी जो डिजिटल कर दिया जाए, इधर किसान गन्ना डाले और उधर हमारा पेमेंट हमारे खाते में जाए। चौथा नंबर हमारा ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास। हमको तो ये लग रहा है अब भाई, इन्होंने वायदा किया था चुनाव से पहले कि भाई सब कर्ज माफ़ किए जाएँ। किसान जो परेशान मारा मारा फिर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, हमको तो लग नहीं रहा कहीं किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है। सब बैंकों में देख लिया, सब ये लॉलीपॉप है, कहीं कर्जा माफ़ नहीं हो रहा। अब रहा इनका ट्रैक्टरों का, जो हमारे NCR में इन्होंने घोषणा कर दी 10 साल पुराने सामान काटे जाने, किसान बेचारा सड़क पर आ जाएगा। किसान का 10-10 साल में जाएगा तो कर्जा उतरा है, 5-5, 4 साल में जमीन मेरी 25-30 रुपये में किसान ट्रैक्टर कर्जा लेता है, 8-7 साल में कर्जा उतरता है, 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है ख़त्म किए जाएँ। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे पुराने ट्रैक्टर जमा करा दो और हमें नहीं दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब आ जाओ विकास की बात, इनका नारा है कि गड्ढा मुक्त सड़क हो, सड़क तो मुक्त होगी, गड्ढे मुक्त नहीं है। किधर ही चले जाओ सब पर गड्ढे गड्ढे सड़कों में। और अब इन्होंने बिगुल फुजार विजय यात्रा करे, जिसे अब भाई जो है हमारे अपने विकास का देहात में चर्चा करो। अब तो ऐसा लग रहा था किसान के साथ छलावा किया जा रहा है। गन्ने का भुगतान जो नियमावली उसमें 14 दिन का है, अब इन्होंने हमने मिलों को धरने दिए। उनका कहना यह है कि हम प्रतिबंध लगा दिया, अब हमारे 90,000 बोरे 1 महीने बिके में, इस हिसाब से 10 महीने पेमेंट होगा। हमारे 3 महीने बाद फैक्ट्री चलने जा रही है और हमारा पेमेंट होगा 10 महीने में। तो इसका मतलब तो ये है कि आपका पेमेंट अगले साल और अगले साल का उससे अगले साल, तो किसान बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। तो हमको तो ये लग रहा है भाई, ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर ये अभी तो ये हमारा भारत सरकार को, राज्य सरकार को आह्वान है, निमंत्रण है, अगर किसानों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान सड़क पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। इनका कहना है कि 2022 में दुगनी आय कर देंगे, 2022 में दुगनी आय कहाँ से हो जाए, जो हमारा कर्जा है, हमारा पेमेंट है, मिलो पड़ा वही नहीं हमें मिल रहा। उधर बिजली के बिल इन्होंने 100% बढ़ा दिए, किसान वही बिल नहीं दे पा रहा था पिछला। और हमारा एक संपादक महोदय एक निवेदन हो रहा, हम ये चाहते हैं जिस तरह से हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इन पूंजीपतियों को बगैर ब्याज के मतलब सुविधा दे रही है, हेड दे रही है, वह किसान भीख नहीं मांगता, किसान तो मेहनत करता है, हाथ भी फलाता। ये हमें भी जो किसानों पर कर्जा है उसे माफ हो जाए, हमें इनसे अनुदान नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। जो किसानों पर ब्याज कर्जा चलाना चाहे माफ कर दें, हमें नए बीज दें, नए यंत्र दें, नई तकनीक दें, तभी तो दुगने आए होंगे। जब किसान भी मिलती नहीं है, 1 मई तो कह रहे हैं कि भाई कीटनाशक दवाएं ना लगाओ, नाश होना जा रहा है, तो हमें जैविक खेती करो। जैविक खेती करेगा जब किसान के पास पैसा ही नहीं है।